Hello everyone, before starting the video, I would like to share with you a very important information. We have launched GATE non-tech test series, जिसमें आपको maths plus aptitude के more than 30 test papers मिलेंगे. And not only that, you will be having free video lectures of maths and aptitude, which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केली हैमिल्टन थ्योरम. ठीक है, इसमें आप फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे अपना, इट इज ओनली वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स किसके किस लिए है, नॉन स्क्वायर और स्क्वायर दोनों के लिए वैलिड है. डिटर्मिनेंट एडजॉइंट इनवर्स और केली हैमिल्टन थ्योरम, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सब किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है. बाकी ट्रांसपोज और रैंक आप किसी भी मैट्रिक्स का निकाल सकते हो. तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि इट इज ओनली वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स. नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे इसका डेफिनेशन केली हैमिल्टन थ्योरम का, कि क्या होता है. केली हैमिल्टन थ्योरम स्टेट्स दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा तो वो जो आएगा हमारा पॉलिनोमियल किसके टर्म्स में, आइगन वैल्यूज के टर्म्स में, लैम्डा के टर्म्स में जो आ रहा था आइगन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसको वो स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा. एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं. तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आपका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा ए माइनस लैम्डा आई, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ठीक है, ये इसका जो पॉलिनोमियल आएगा उसको ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, ये सेटिस्फाई करेगा. तो आइए देखते हैं कैसे करेगा. अगर मैं एग्जाम्पल लूं एक एक स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 का 1, 2, 3, 4 2x2 मैट्रिक्स लिया मैं. अब इसका अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखता हूं a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो करके ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा मैं. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस लैम्डा 3, 2, 4 माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो आ गया. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास क्या आ रहा है, 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा. आप भी अपनी कॉपी में जल्दी जल्दी लिखते जाएंगे, बार बार चीजें देख देख के लिखने की जरूरत नहीं है. आप अगर खुद से आप ये सब चीज को लिखते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा. ठीक है, तो आगे का स्टेप आप खुद ही इसको सिंप्लीफाई कीजिए. क्या होने वाला है, ये 4 माइनस लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर 6. ठीक है, तो ये क्या हो गया, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 10 इक्वल टू जीरो. तो ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा. अब मेरा जो केली हैमिल्टन थ्योरम बोल रहा था कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो हम ए लिए हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. कैसे सेटिस्फाई करेगा, देखिए जहां जहां पे लैम्डा है उसको मैं उस स्क्वायर मैट्रिक्स से रिप्लेस कर सकता हूं. ठीक है, मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स को किससे रिप्लेस किया मैं, उसके आइगन वैल्यू से, या तो फिर उसके आइगन वैल्यू को मैं रिप्लेस कर सकता हूं उसके स्क्वायर मैट्रिक्स से. आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए जगह मैं सॉरी वन के जगह मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकता हूं और जीरो के जगह नल मैट्रिक्स. ठीक है, तो अगर मैं ये करता हूं कि लैम्डा के जगह मैं ए लिखता हूं और वैसे ही अगर ए रहेगा तो मैं अगर ए का कोई इक्वेशन आता है तो उसके जगह मैं लैम्डा भी लिख सकता हूं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह वन लिख सकता हूं. तो इसलिए मैं डबल साइडेड एरो लिया हूं. ठीक है, डबल साइडेड एरो, क्योंकि मैं लैम्डा की जगह ए भी कर सकता हूं, ए की जगह लैम्डा भी कर सकता हूं. तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10 और यहां पे क्या है इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 10 आई इज इक्वल टू 0. तो ये देखिए
इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ये स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है, यही हमारा कैली हैमिल्टन थ्योरम बोलना चाह रहा है। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कैली हैमिल्टन थ्योरम से हम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो फिर हम हायर डिग्री ऑफ ए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कि ए क्यूब, ए टू द पावर 9, ए टू द पावर 100, जितना भी बड़ा वैल्यू है, बिना उस मैट्रिक्स को बार बार मल्टीप्लाई किए हम डायरेक्टली उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं छोटे वैल्यूज में यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर में आपको बताऊं कि इस मैट्रिक्स से ये जो इक्वेशन आया, इसी से मैं ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो देखिए मैं क्या करने वाला हूं, इसको लिख सकता हूं मैं ए स्क्वायर मेरा किसके इक्वल है, 5a प्लस 10i के, ठीक है, ए स्क्वायर। तो मतलब कि क्या, ये जो 1, 2, 3, 4 है, इसमें मैं बस मल्टीप्लाई कर दूं 5, तो ये क्या हो जाएगा 5, 15, 10, 20 प्लस 10 कर दूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 10, दैट इज 15, और 15 और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया 10 और ये 20, 30, तो ये क्या आ गया, ये आ गया मेरा ए स्क्वायर, ठीक है, ये ए स्क्वायर आ गया डायरेक्टली। तो इससे मैं हायर वैल्यू ऑफ ए भी फाइंड आउट कर सकता हूँ कैली हैमिल्टन थ्योरम से, और ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ पता है, बिना, एक तो डायरेक्टली ये 2x2 मैट्रिक्स है, इसलिए डायरेक्टली हम कर सकते हैं क्या, डिटर्मिनेंट डिवाइड एडजॉइंट डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट। और अगर मेरे को कैली हैमिल्टन थ्योरम से करना होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं इधर ए इनवर्स मल्टीप्लाई करूं और इधर भी ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, तो क्या हो जाएगा ए प्लस 5i प्लस 10 ए इनवर्स, ठीक है। तो ए इनवर्स मेरा यहां से क्या आ रहा है, इज इक्वल टू ए माइनस 5i बाय 10, ठीक है। तो यहां से मेरे को ए इनवर्स का भी एक इक्वेशन मिल जा रहा है और ए स्क्वायर का, और वैसे ही हायर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का भी मैं इक्वेशन सिंपल टर्म्स में निकाल सकता हूं यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम्स। तो बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट था इसका कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन की तरफ, जिसको सॉल्व करने से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं एग्जांपल्स की ओर। तो ये है दो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन में, देखिए एक 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। अब हमसे बोला जा रहा है कि ए टू द पावर 9, बाबा ए टू द पावर 9 फाइंड आउट करना है, मतलब कि क्या ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए 9 टाइम्स करना है, तो वो क्या फिजिबल होगा, नहीं, एग्जाम में कभी नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कैली हैमिल्टन थ्योरम यूज करेंगे, और ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है डायरेक्टली। अब मैंने क्या बोला था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो चलो पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं इसका। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, -3λ, 2 -1 और 0 λ, that is equal to -λ, ठीक है। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको क्या करना है, डिटरमिनेंट लेके इक्वेट करना है इक्वल टू 0। अब ये किसके इक्वल आ गया, इसको सॉल्व करने से -3λ + 3λ + λ² + 2 = 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लैम्डा स्क्वायर प्लस 3λ + 2 = 0, राइट। अब इसका रूट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, रूट्स क्या क्या आएगा इसका, अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको पता है कि -b + -b² - √b² - 4ac / 2a जो 11 12 से पढ़ते आ रहे हैं, उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा λ = -1 and λ = -2, दो वैल्यूज आएंगी। या तो हम क्या करते थे कि इसको ब्रेक कर देते थे, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, λ² + λ + 2λ, और फिर उसके बाद कॉमन लेके भी हम 11 12th में ऐसा किए हैं, तो उससे हम दोनों का वैल्यू आएगा λ = -1 और -2। तो मैं क्या बोल रहा था कि हर आइगन वैल्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं ए से, और ए को रिप्लेस कर सकते हैं आइगन वैल्यू से। तो अब इस इक्वेशन में देखिए,
आइगन वैल्यूज आ चुके हैं हमारे पास, ठीक है, आइगन वैल्यू मेरे पास आ चुका है। अब यहीं पे खेल समाप्त हो गया है हमारा। कैसे देखिए, मैं क्या बोला था कि इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब डायरेक्टली अगर मैं ऑप्शंस को शूट करूं, मतलब कि क्या, गेट में आप क्या करेंगे, कोई भी मेथड अपनाएं पर आपका आंसर इजिएस्ट वे में, फास्टेस्ट वे में और एक्यूरेट आना चाहिए। तो मेरे पास आइगन वैल्यूज आ चुकी है माइनस वन वाई टू। देखिए ऑप्शन डी एक्सपोनेंट टू द पावर 9 है, ये कभी हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसी अपसर्ड ऑप्शन दिया हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि a टू द पावर 9, एक एक ऑप्शन को सेट करके देखता हूं। तो a टू द पावर 9 इज इक्वल टू, अगर ऑप्शन a करूं मैं तो 500a प्लस 510i, ठीक है। तो a की जगह मैं क्या लिखता हूं, माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर 9, ठीक है, लैम्डा टू द पावर 9 और 500 टू द पावर 500 इनटू लैम्डा प्लस 510। अब एक एक करके मैं लैम्डा की वैल्यू पुट करता हूं, देखता हूं कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो माइनस वन टू द पावर 9 दैट इज इक्वल टू माइनस वन, फिर माइनस 510 प्लस 510। तो इसमें क्या आ रहा है, माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन, तो ए तो हमारा सही हो सकता है, ए सही हो सकता है। बाकी ऑप्शंस देखते हैं, 309 मतलब फिर से माइनस वन टू द पावर 9 और फिर क्या है, माइनस 309 प्लस 104, क्या ये इक्वल आ रहे हैं, नहीं, तो ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या, डेफिनेटली ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। बचा क्या, सी, सी को चेक करते हैं, माइनस वन टू द पावर 9 इक्वल टू 154 माइनस वन, ठीक है, प्लस 155 कितना आ गया, प्लस वन आ गया, जो कि इक्वल टू नहीं है माइनस वन के, तो ये भी क्या हो गया, अनइक्वल, ये भी हो गया अनइक्वल। तो उससे हमारे पास सी भी हो गया एलिमिनेट, तो डायरेक्टली मेरे पास क्या आंसर आ गया, ए। तो सोचो कितना इजी वे में हम सिर्फ ऑप्शंस को शूट करके हम डायरेक्टली बता दिए कि ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आप ऐसे अप्रोच करेंगे कभी भी एग्जाम में। पर अब ये तो स्मार्ट लोग के लिए, पर जैसे जो अभी बिल्डअप कर रहा है, धीरे धीरे बिगनर सीख रहा है, तो उसके लिए मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, ठीक है, बेसिक और जनरल अप्रोच से जो हम पढ़े उसके मेथड से। ये तो था कैसा कि स्मार्ट वे में कैसे ऑप्शंस को डायरेक्टली एलिमिनेट करके हमको करेक्ट आंसर निकालना है। अब आगे करता हूं मैं, अब मैं जनरल अप्रोच में करता हूं, ठीक है। तो आप दोनों मेथड्स लिखेंगे, पहले एक मेथड लिखेंगे मेथड वन करके बाय एलिमिनेटिंग ऑप्शंस करके और उसमें ये वाला पॉइंट्स लिख देंगे। सेकंड में आप मेथड टू लिखेंगे जनरल अप्रोच, तो उसमें मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास आइगन वैल्यूज आ गई है, तो आइगन वैल्यूज को मैं लिखता हूं, लैम्डा ए टू द पावर 9 निकालना है, तो अगर मैं लैम्डा टू द पावर 9 निकाल लूं तो मैं बता सकता हूं कि ए टू द पावर 9 क्या होगा। तो मैं क्या लिखता हूं उसको, इन टर्म्स ऑफ के वन लैम्डा प्लस के टू के टर्म्स में लिखता हूं। क्यों ऐसा लिखा मैं, क्योंकि ऑप्शंस भी ए प्लस आई के टर्म्स में था, तो मुझे बस के वन और के टू फाइंड करना है। तो एक बार फॉर लैम्डा इज इक्वल टू माइनस वन रखूं मैं, तो माइनस वन टू द पावर 9 इज इक्वल टू माइनस के वन प्लस के टू, फिर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू माइनस टू टू द पावर 9, फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस टू के के वन प्लस के टू, ठीक है। अब जैसे ही आप इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियरली क्या मिल जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, जिसमें कि के वन की वैल्यू आपके पास आएगी 511 और K2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 510, ठीक है। तो डायरेक्टली K1 और K2 की वैल्यू मिल गई और फिर हमारे पास वो उस केस से भी, जनरल अप्रोच करने से भी ऑप्शन A आएगा। बस इसमें क्या करना पड़ेगा, लैम्डा की वैल्यू को मैं सेटिस्फाई किया, K1 और K2 की वैल्यू आई, तो मतलब क्या लिखा मैं कि लैम्डा टू द पावर 9 इज इक्वल टू 511 के 511 लैम्डा प्लस 510 लैम्डा 510 इज इक्वल टू
a to the power 9 is equal to 511 a plus 510 i. ठीक है, तो ये है कैली हैमिल्टन की थ्योरम के यूज करके हमने ऐसे निकाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और सेकेंड क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है, 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ट्रेस और डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है। अब आप बताएंगे कि द वैल्यू ऑफ ए क्यूब क्या होगा, ठीक है, ए क्यूब बताना है हमको। तो आपको मैं हिंट के लिए बता रहा हूं कि आपको इसका पहले जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, जिसका मैंने आपको लिखवाया था फॉर्मूला, तो उस जनरल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करके आप पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। जैसे ही आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाता है, आप ए क्यूब निकाल लेंगे। तो आप पहले खुद से अप्रोच करेंगे और उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखेंगे, राइट। तो जल्दी से पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो। तो मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखता हूं, -1 to the power n लैम्डा n प्लस -1 to the power n-1 ट्रेस ऑफ a लैम्डा n माइनस वन प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू। ये 2x2 का मैट्रिक्स था, इसलिए मैंने माइनर वाला टर्म नहीं लिया। क्यों? क्योंकि अगर आप वो करेंगे n माइनस टू करते हैं तो आपके पास कितना था, जीरो, वो लैम्डा टू पावर जीरो आया था, तो वहां पर दो कॉन्स्टेंट टर्म आ जाते जो कि अब्सर्ड हो जाता है। इसलिए मैं 2x2 मैट्रिक्स के लिए बस इतना ही लिख रहा हूं। तो 2x2 मैट्रिक्स के केस में फॉर, यहां पे लिख देता हूं, फॉर 2x2 मैट्रिक्स, और जो कोफैक्टर वाला डायगनल एलिमेंट्स का सम करने, डायगनल एलिमेंट्स के कोफैक्टर का सम वाला जो टर्म था वो 3x3 मैट्रिक्स से इक्वल या उसके बड़े, उससे बड़े मैट्रिक्स के लिए होता है, ठीक है। तो अगर मैं वैल्यूज लिखूं तो -1 to the power square लैम्डा स्क्वायर प्लस -1, ट्रेस क्या है, 1 है, लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट क्या है, 1 है, इक्वल टू 0। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेरे पास आ गया है, लैम्डा स्क्वायर प्लस माइनस लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया है। अब मुझे क्या निकालना है, इसमें निकालना है इसका ए क्यूब। ए क्यूब क्या, इसका एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो सेटिस्फाई करवाते हैं भाई इसको, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, ए स्क्वायर को लिखता हूं किसके इक्वल, a माइनस आई के इक्वल, ठीक है। ये क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया, और a क्यूब किसके इक्वल आएगा, a क्यूब हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस a के इक्वल। क्या किया मैं, इक्वेशन 1 में बोथ साइड से a से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आ गया a स्क्वायर, a क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a। अब a स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास, a माइनस आई माइनस ए, तो यहाँ पे ए ए कैंसिल होता है, तो ए क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई, ठीक है। तो कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, सोचिए आप कि ना मैट्रिक्स पता है हमें, सिर्फ उस मैट्रिक्स का ऑर्डर पता था और उस मैट्रिक्स का ट्रेस और डिटर्मिनेंट पता था, पर सिर्फ और सिर्फ उतना ही पता होने के बावजूद भी हम ये बता पाए कि जो ए क्यूब आएगा वो क्या होगा, सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का माइनस साइन, मतलब कि क्या, -1 0 0 -1, तो ये आएगा आपका ए क्यूब सिर्फ और सिर्फ विद द हेल्प ऑफ हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और कैली हैमिल्टन थ्योरम के मदद से, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस आपके लिए सफिशिएंट हैं, पर जब हम आइगन वेक्टर्स पढ़ेंगे तो कुछ और अच्छे क्वेश्चंस मैं कैली हैमिल्टन के साथ बाय साथ साइड बाय साइड करते जाऊंगा, तो आपको इसमें भी कोई डाउट नहीं रहेगा। बाकी इतने क्वेश्चन इज मोर देन सफिशिएंट। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि रहेगा हमारा आइगन वेक्टर।
Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. So, milte hain aap next video mein. Tab tak liye, have a good day. See ya.